तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेट टॉक्स में। मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो सबसे पहले मैं आपको होंडा लीवो के बारे में कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव बताऊं उससे पहले एक बात क्लियर आउट कर दूं कि होंडा लीवो पे मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। मैं पिछले 15 या 20 दिनों से इसी टॉपिक पे लगातार फाइंड आउट कर रहा हूं कि आखिरकार होंडा लीवो किस तरीके की बाइक है, आपको उस बाइक में कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी अच्छाइयां आपको उस बाइक में दूसरी 110cc बाइक के मुकाबले देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर आउट कर दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आगे मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 99% वो पॉजिटिव और 99% नेगेटिव इफेक्टेबल है। फिर भी कहीं लोगों के साथ हमेशा कोई भी मामला उल्टा ही हो जाता है, तो सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली ऐसा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं इन फ्यूचर तो चैनल सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव्स अबाउट होंडा लीवो 110 BS6, क्योंकि नेगेटिव्स मैं बाद में बताने वाला हूं। तो आपके लिए सबसे पहले कोई भी बाइक की अच्छाइयां जान लेना जरूरी हो जाता है। पहला पॉजिटिव आ जाता है इस बाइक की माइलेज। अब ये पूरे सेगमेंट में बेस्ट माइलेज तो नहीं देती, लेकिन ये होंडा की बाइक है, आप सभी को पता है होंडा की बाइक की माइलेज अपने सेगमेंट वाइज दूसरी बाइक से कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा कम रहती है। लेकिन होंडा लीवो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसिस्टेंट 5 डेज इसे यूज करने के बाद इसकी माइलेज ओवरऑल 65 से 70 के बीच में निकल के आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा शानदार चीज है और मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद आया। तो अगर आप 110cc में माइलेज प्रेफर के लिए होंडा पे जाने के बारे में, होंडा लीवो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो गो विथ इट, क्योंकि वो बाइक आपको आसानी से 65 या 70 के बीच में माइलेज निकाल के दे देगी। अब ये पॉइंट खत्म करने से पहले एक बात क्लियर आउट कर दूं कि सभी बाइक पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि कहीं सारे ऐसे यूजर्स रिव्यू भी आए जहां पे मुझे बोला गया है कि होंडा लीवो मुझे सिर्फ 40 या 45 की ही माइलेज देती है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो मुझे 60 से 70 के बीच में आसानी से माइलेज निकाल के दे रही थी। तो श्योरली बता सकता हूं कि आप होंडा लीवो पे माइलेज के मामले में कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है इस बाइक की कंफर्टेबल राइडिंग। अब इस बाइक का जो इंजन रिफाइनमेंट है उसके बारे में मुझे आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होंडा ने अब लीवो में भी अपनी ऐसा यानी कि साइलेंट इग्निशन सिस्टम को इंक्लूड कर दिया है। अब उस सिस्टम की वजह से इस बाइक का जो इंजन है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शांत हो चुका है, और अगर आप 50 या 60 के अबो भी इस बाइक को लेके जाते हो तो उसका इंजन पहले वाली जो BS4 वाली लीवो आती थी उसके मुकाबले काफी ज्यादा रिफाइंड आपको फील करवाता है। अब तीसरा पॉइंट जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, तो वो आ जाता है इस बाइक का जो खराब रास्तों पे चलने की कैपेसिटी है वो, यानी कि अब मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सिटी में इस बाइक को चलाया तो ये बाइक मुझे किसी भी तरीके से डाउन नहीं लगी किसी भी तरीके के खराब रास्तों पे। आप इसे लेके जाइए किसी भी तरीके के सिटी में खराब रास्तों पे, ये आपको 101% काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देने वाली है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की तो ओवरऑल हमारे पास 3 पॉजिटिव आ चुके हैं होंडा लीवो के, जो है सबसे पहला आ जाता है माइलेज, दूसरा आ जाता है इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट, और थर्ड पॉइंट आ जाता है इस बाइक के खराब रास्तों पे चलने की कैपेसिटी। तो यानी कि इस 3 चीजों के लिए अगर आप लीवो को अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, आप इन तीनों ही मामलों में इस बाइक को बेटर मान सकते हो और ये है भी। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट नेगेटिव्स होंडा लीवो के कुछ खराब चीजों के बारे में जो कि इस बाइक में अभी भी प्रॉब्लम रह चुकी है इसे BS6 में कन्वर्ट करने के बावजूद भी। अब मैं फिर से एक बार आपको प्लीज रिक्वेस्ट करके बता देता हूं कि प्लीज डोंट टेक दिस पॉइंट टू पर्सनली, क्योंकि एक ओवरऑल कंक्लूजन है, ओवरऑल बहुत सारे लोगों के रिव्यू और पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद में आपके साथ ये पॉइंट्स में आपके साथ जो नेगेटिव पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो कि इस कंपनी की दूसरी बाइक शाइन आती है वहां पे भी देखने को मिल जाता है, चैन चोकर की आवाज की प्रॉब्लम। अब कहीं सारे लोगों ने जो होंडा लीवो चला है पिछले 15 या 20 दिनों तक ही उन्होंने चलाया, क्योंकि होंडा लीवो को लॉन्च हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन 15 20 दिनों में भी कहीं सारे लोगों के ऐसे रिव्यूज आए हैं कि होंडा लीवो में एक प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में जब आप इस बाइक को पिकअप लेते हो फिर ये जब 30 या 40 के बीच में आ जाती है तो कभी कभार इसके चैन स्पोकर में से
आवाज आने लग जाती है। अब ये कुछ नए तरीके का इश्यू है जो आपको BS6 वाले वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बाइक में भी ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन जिन जिन लोगों की बाइक में ये प्रॉब्लम हो रहा था, ज्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम था वो कंपनी ने सर्विस के वक्त सॉर्ट आउट कर दिया था। तो आप भी जो लीवो परचेस करेंगे उसके स्पोकर में से आवाज आने लग जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ढेर सारे लोगों के साथ 50% लोगों को प्रॉब्लम आई है और 50% लोग ऐसे है जिन्हें इन प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं करना पड़ा फिलहाल के टाइम में होंडा लीवो में। अब आ जाता है दूसरा नेगेटिव पॉइंट, जो कि आ जाता है इस बाइक का हेडलैम्प सेटअप। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि LED लाइट कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको DC कन्वर्टेड हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि ऑलवेज फुल ब्राइटनेस में ऑन रहता है। लेकिन फिर भी जो इसके मुकाबले जो दूसरी कंपेटिटर है उसकी सामने की तरफ पैशन प्रो, अगर आप इन दोनों ही बाइक के जो हेडलैम्प सेटअप है उसकी नाइट ड्राइविंग के वक्त इफेक्टिविटी देखोगे तो वहां पे जो होंडा लीवो है उसकी कहीं ना कहीं आपको कम लाइट लगेगी इन कम्पेयर टू पैशन प्रो। इस बाइक का जो हेडलैम्प सेटअप है वहां पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, बेसिकली आपको दिखाने के लिए ही एक चेंज रखा गया है। बाकी लाइटिंग सेटअप बिल्कुल ही वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। जो लाइट है वो उतनी ही रोशनी दे रही थी जितने की BS4 वाले वेरिएंट में दे रही थी, वहां पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुई, सिर्फ जो लाइटिंग सेटअप का डिजाइन है उसे ही चेंज कर दिया गया। अगर आप लाइटिंग के मामले में ढूंढ रहे हो नाइट ड्राइविंग के वक्त इफेक्टिव बाइक, तो वहां पे पैशन प्रो जो है उसकी लाइट इस बाइक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर है। ये भी रात में आप उस बाइक को लेकर चले जाइए, वो आपको काफी अच्छी और इफेक्टिव लाइटिंग प्रोवाइड करके देने वाली है। तो अब आ जाते हैं फाइनल नेगेटिव पॉइंट, जो कि आ जाता है इस बाइक में 60+ में वाइब्रेशंस, एक ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। और दूसरा आ जाता है छोटी छोटी इस बाइक के जो पार्ट्स है वहां से आवाज आने लग जाती है। अब ये वाला मामला जो है ना वो पूरी तरीके से मैं आपको 101% नेगेटिव ही ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जितने भी यूजर्स रिव्यू मेरे पास आया वहां पे मुझे जानने मिला है कि अगर आप लीवो को 70 के ऊपर चलाते हो तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस बाइक के हैंडल में वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि 110cc की बाइक है, उस अकॉर्डिंग 70 की हाई स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाओगे जो पैशन प्रो है वो भाई सब 70 या मैंने मैक्सिमम पैशन प्रो को 80 तक खींच के भगाया हुआ है, और फिर भी 80 पे जाने के बाद भी उस बाइक के हैंडल में किसी भी तरीके के वाइब्रेशन या तो फिर उस बाइक में आपको कोई भी ज्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते। हाँ, उस बाइक की जो इंजन नोट है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लीवो के मुकाबले वो हाई स्पीड के मामले में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे, बहुत ही अच्छी उसकी इंजन रिफाइनमेंट हो जाती है और वो आपको हाई स्पीडिंग के वक्त देखने को मिल जाता है। अब ये चीज भी सभी लोगों के साथ और सभी बाइक में हो ऐसा जरूरी नहीं है, शायद से आप जो बाइक चला रहे हो वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। अब उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूं। अब आ जाते हैं पुअर बिल्ड क्वालिटी। आपको होंडा की लीवो में जो मेटल पार्ट्स है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार आ जाती है, वहां पे मैं कोई भी चीज कहना नहीं चाहता, लेकिन जो वहां पे फाइबर के पार्ट्स यूज हुए हैं, अगर ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे मैक्सिमम मैंने जहां तक मुझे याद है अभी तक 24 से 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला पर्सनल रिव्यू के वक्त कि होंडा लीवो में क्या हो रहा है भाई, 15 डेज या फिर 20 डेज ही अभी लीवो को चलाया है, फिर भी कहीं कबार जो उसका फ्रंट में टैंक के पास वेक आता है या फिर जो कहीं कबार उसका बैक साइड का जो मडगार्ड आता है वहां से आवाज होना स्टार्ट हो जाता है। अब उन लोगों ने किस तरीके से इस बाइक को चलाया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ BS4 वाली बाइक में भी ये प्रॉब्लम थी। बिल्ड क्वालिटी वहां पे शानदार आपको मिल जाती है, फिर भी जो फाइबर पार्ट्स है उसकी फिटिंग एंड फिनिश उतनी ज्यादा शानदार नहीं है, उसी वजह से यहाँ पे कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर हम ओवरऑल नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक तो हाई स्पीडिंग के वक्त हैंडल में वाइब्रेशन, साथ ही साथ दूसरा हो जाता है थोड़ी ज्यादा जो फाइबर पार्ट्स है उसकी कम फिटिंग की वजह से एक थोड़ी सी पुअर बिल्ड क्वालिटी इन कम्पेयर टू हीरो पैशन प्रो। तीसरा जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इस बाइक का लाइटिंग सेटअप। तो ये जो मैंने आपको सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताए, अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी बाइक परचेस कर रहे हो वहां पे आपके साथ यही प्रॉब्लम है,
दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है और दूसरे कुछ अच्छी चीजें भी आपको इस बाइक में महसूस होगी। मुझसे जितना कवर अप हो सकता था एक वीडियो के लिए उतना मैंने आपको करके बता दिया है। अब हम जल्दी होंडा लेवो का रियल लाइफ रिव्यू भी करेंगे, तब वहां पे बाकी की चीजों को मैं आपको रूबरू ही दिखा देने वाला हूँ। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही अगर आप फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।